बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बॉट एंड स्ट्रीम का, ठीक है। तो इससे पहले हम टॉपिक कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, और कर चुके हैं वाटर टैंक से रिलेटेड, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक मैं डाल चुका हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स मैं डाल चुका हूँ, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉट एंड स्ट्रीम का। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास, हम इसमें सीखेंगे कंसेप्ट क्या है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले बात आएगी कंसेप्ट की। तो कंसेप्ट में हमारे पास सबसे पहले आएगा कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये है बोर, ठीक है ना, और स्ट्रीम का क्या मतलब है, स्ट्रीम का मतलब वाटर फ्लो से मतलब है, ठीक है ना, इसका इसका मतलब है वाटर फ्लो, और वाटर फ्लो ये हो गया, ठीक है ना। तो अब एरोस का क्या मतलब है कि बोट जा रही है इस साइड और वाटर फ्लो भी इस साइड है, बोट इस साइड तो वाटर फ्लो भी इस साइड, दोनों एक साइड जाएंगे तो स्पीड होगी ज्यादा, स्पीड होगी ज्यादा, तो बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड यहां पे, ठीक है ना, बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड यहां पे। तो अगर हमारे पास बोट जाएगी इस साइड, बोट जाएगी इस साइड और वाटर फ्लो इस साइड, ठीक है ना, बोट साइड जिस साइड जा रही है उससे ऑपोजिट, ठीक है ना, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, तो यहां पर हमारी स्पीड हो जाएगी बोट माइनस वाटर की स्पीड, क्योंकि यहां पे बोट, यहां पे वाटर की जो स्पीड है, ठीक है ना, वाटर फ्लो है, वो इसे रेजिस्ट करेगा यहां पे, ठीक है ना, अगर रास्ते में वो इसे रेजिस्ट करेगा तो इसे रोकने की कोशिश करेगा तो बोट की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो बोट माइनस वाटर की स्पीड, तो वो स्पीड आ जाएगी हमारी यहां पे इसकी स्पीड, ठीक है ना। तो यहां पर अगर इसकी बात करें, ठीक है ना, अगर इसकी बात करें तो इसे तो कहा जाता है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब के बहाव में चलना, ठीक है ना, पानी के बहाव में चलना, और अपस्ट्रीम, ये है हमारे पास अपस्ट्रीम, इसका मतलब है पानी से उल्ट चलना, पानी से ऑपोजिट चलना, ठीक है ना, जो जिस तरफ पानी जा रहा है उस तरफ ना जाके दूसरी तरफ जाना, तो वो हमें रिपेल करेगा और यहां पर बोट माइनस वाटर की स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना, तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, तो ये हमारा कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो गया। तो अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड ही हम यहां पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, हमारे पास 10-12 क्वेश्चन है, वो 10-12 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे, बट वो अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है ना। तो बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड वो क्वेश्चन हो सकता है कि वो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम काफी सारे होते हैं, जैसे कि RRB का हो गया, PO का हो गया, क्लर्क का हो गया, तो किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ठीक है, तो वही सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं यहाँ पे, तो 10-12 क्वेश्चंस हैं, उन्हें ध्यान से कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, बोट रोड डाउन अ रिवर एट 21 किलोमीटर पर आर एंड रोड अप अ रिवर एट 9 किलोमीटर पर आर। तो यहाँ पर स्पीड दी गई है हमारे पास रोड डाउन की और रोड अप की, ठीक है ना, रोड डाउन का यहाँ पे मतलब है कि वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है और रोड अप का मतलब है कि वो अप स्ट्रीम में जा रही है। तो यहां पर हमें पता है कि अगर बोट डाउन स्ट्रीम में जाएगी, ठीक है ना, अगर बोट डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो इसका मतलब वो पानी के बहाव के साथ जा रही है, ठीक है ना, अगर पानी के बहाव के साथ जाएगी तो बोट प्लस वाटर की स्पीड आएगी, ठीक है, अगर वो जाएगी अप स्ट्रीम तो अप स्ट्रीम का मतलब बोट माइनस वाटर हो गया, यहां पे बोट प्लस वाटर, यहां पे बोट माइनस वाटर, ठीक है ना, तो बोट प्लस वाटर, बोट माइनस वाटर, ये हमारे पास ये तो आ गया 21 किलोमीटर पर, ठीक है ना, और इसने अपस्ट्रीम किया ट्रेवल 9 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, तो ये 21, ये 9, ठीक है ना, यहां पर एक तरह की इक्वेशन बन गई, यहां पर एक तरह की इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो यहां पे आ गया 2b, यहां पे कितना आ गया 2b आ गया 2b, और यहां पे इसका एडिशन करेंगे तो यहां पे 30 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है ना, और अकेला b कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आ, ठीक है ना, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई 15 किलोमीटर पर आ, बट हमसे पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मतलब वाटर की स्पीड कितनी है, ठीक है ना, अगर दोनों की स्पीड 21 है, यहां पे बोट प्लस वाटर की स्पीड हमें दी गई है 21 किलोमीटर पर आर, ठीक है, वाटर की स्पीड हमने निकालनी है, बोट की स्पीड हमारे पास 15 आ गई, तो इज इक्वल टू 21, तो वाटर की स्पीड 21 माइनस
यहाँ पे 15 आया तो 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड हमारे पास वाटर की स्पीड आ गई, ठीक है ना। तो W इज इक्वल टू 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आर। ओके, तो यहां पर हमारे पास है अ स्विमर कैन स्विम डाउनस्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आर, अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आर। तो वो डाउनस्ट्रीम में जाता है 14 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, अपस्ट्रीम में जाता है 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। तो यहां पर स्पीड किसकी निकालनी है, स्विमर की स्पीड निकालनी है कि स्विमर किस स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना, स्टिल वाटर में। तो इसका मतलब सिर्फ स्विमर की स्पीड निकालनी है, वाटर की स्पीड नहीं निकालनी, स्विमर की स्पीड निकालनी है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो दो चीजें वही आ रही, एक तो डाउनस्ट्रीम, ठीक है, डाउनस्ट्रीम यहां पर हम करते थे बोट प्लस, यहां पे हम कर लेंगे स्विमर, क्योंकि स्विमर आ गया, स्विमर प्लस वाटर। तो यहां पर अपस्ट्रीम आ गया हमारे पास, अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू स्विमर माइनस वाटर, ठीक है ना। तो यहां पर अगर इसकी बात करें तो ये 14 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ठीक है, इसकी बात 14 किलोमीटर पर आर, इसकी बात करें तो ये आएगा 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ठीक है। तो यहां पर फिर से एक इक्वेशन बन गई, तो ये हमारे पास यहां पे कट जाएंगे, तो यहां पे आ गया 2 ऑफ स्विमर इज इक्वल्स टू, वहां पे चला गया हमारे पास 20 किलोमीटर पर आर, ठीक है ना। तो एक स्विमर अगर एक स्विमर की बात करें तो स्विमर 20 डिवाइड बाय 2 तो 10, तो 10 किलोमीटर पर आर की उसकी स्पीड आ गई, ठीक है ना, स्विमर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आर की। और अगर हमारे पास यहाँ पे वाटर की स्पीड पूछी जाए कि हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 14 में से ये 10 माइनस कर दोगे तो 4 किलोमीटर पर आर की स्पीड हमारे पास किसकी आ गई, उस वाटर की, ठीक है ना, उस वाटर फ्लो की हमारे पास स्पीड आ गई। तो यहां पर हमारे पास दिया गया है द स्पीड ऑफ द बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आर व्हाइल द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या दिया गया है कि एक तो दिया गया है हमारे पास कि वो स्ट्रीम में जा रहा है जब, ठीक है ना, स्ट्रीम में जा रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तो इसका मतलब डाउनस्ट्रीम, तो यहां पर डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है, डाउनस्ट्रीम 15 किलोमीटर बोट प्लस वाटर वो जा रहा है 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ठीक है। तो यहां पर अब स्ट्रीम की, यहां पे स्ट्रीम की स्पीड दे दी, वाटर की स्पीड दे दी कि वाटर हमारा जा रहा है 1.5 किलोमीटर पर आर, ठीक है ना, 1.5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर बोट की स्पीड निकल सकती है कि बोट की स्पीड कितनी है, तो यहां पर बोट प्लस वाटर की स्पीड 15, ठीक है ना। अगर सिर्फ बोट की स्पीड निकाल लिया तो 15 माइनस ये वाटर की स्पीड उधर आ जाएगी, वाटर की स्पीड कितनी है 1.5 किलोमीटर पर आर, ठीक है ना। तो अब 1.5 किलोमीटर पर आर इसमें से माइनस करोगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 13.5 किलोमीटर पर आर, बट ये किसकी स्पीड आ गई, ये हमारे पास बोट की स्पीड आ गई। उन्होंने पूछा है कि स्पीड ऑफ द बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम इसका मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड पूछ रहे हैं, ठीक है ना। अपस्ट्रीम का फॉर्मूला है बोट माइनस वाटर, तो यहां पे बोट की स्पीड कितनी 13.5 किलोमीटर पर आर, वाटर की स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आर, तो यहां पर कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आर, ठीक है ना। तो 12 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अपस्ट्रीम हो गया, ठीक है ना, बोट की स्पीड यहाँ पे 13.5 किलोमीटर पर आर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे सबको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमें हमारे पास दिया गया है स्विमर स्विम द डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर पर आर इन 6 आवर्स, ठीक है ना, वो 6 घंटे में 36 किलोमीटर पर आर जाता है और तो यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है अ स्विमर स्विम द डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स डाउनस्ट्रीम एंड द डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द 8 आवर्स, ठीक है ना, वो 36 किलोमीटर जाता है 6 आवर्स में। तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन वही आ गई कि एक तो आ गई डाउनस्ट्रीम वाली कि वो डाउनस्ट्रीम जाता है, डाउनस्ट्रीम कितना जाता है 36 किलोमीटर पर जाता है, 36 किलोमीटर जाता है कितने टाइम में 6 आवर्स में जाता है, ठीक है ना, इसका मतलब 6 किलोमीटर पर आर कि उसकी स्पीड होगी, ठीक है। अगर हम यहीं पे अपस्ट्रीम की बात करें
यहाँ पे अगर अपस्ट्रीम की बात करें तो अपस्ट्रीम में हमारे पास हो जाता है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर 8 आवर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड होगी। तो अब डाउनस्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर, और हमें पता है कि स्विमर की स्पीड कैसे निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डाउनस्ट्रीम का मतलब बोट प्लस वाटर की स्पीड, यहाँ पे 6 दे दिए, बोट माइनस वाटर की स्पीड यहाँ पे 5 दे दिए, ठीक है ना। अगर इसे करोगे तो ये कैंसल, तो यहाँ पे 2b आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो बोट की वैल्यू क्या आ गई, बोट की वैल्यू यहाँ पे 5.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब इसे बोट कह लो चाहे इसे स्विमर कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्विमर की स्पीड कितनी आ गई, 5.5 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास है कि 2 places are 108 किलोमीटर अपार, ठीक है ना। दो प्लेसेस हैं, दो प्लेसेस यहां पे 108 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। यहां पे तो यहां पे डिफरेंस कितना, 108 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहां पे कहते हैं कि एक बोट यहां से चलती है, एक बोट यहां से चलती है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे की तरफ चलती है। तो एक की स्पीड है हमारे पास 12 किलोमीटर, बोट की स्पीड 12 किलोमीटर है, यहाँ पर बोट की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, वो दोनों चलती है एक दूसरे की तरफ। तो ये चलती है हमारे पास, उसमें कहा कि फर्स्ट जो बोट है, ठीक है ना, वो चलती है डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे ये डाउनस्ट्रीम होगी और ये हमारे पास हो गई अपस्ट्रीम होगी, ठीक है ना। तो ये डाउनस्ट्रीम चलती है, ये अपस्ट्रीम चलती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर ये डाउनस्ट्रीम चल रही है और ये अपस्ट्रीम चल रही है, तो इसका मतलब डाउनस्ट्रीम का मतलब बोट प्लस वाटर, बोट की स्पीड यहाँ पे 12 किलोमीटर प्लस वाटर की स्पीड हमें पता नहीं, ठीक है। यहाँ पे हो गया बोट की स्पीड 15 किलोमीटर माइनस वाटर की स्पीड, क्योंकि यहाँ पे था अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में बोट माइनस वाटर, यहाँ पे बोट प्लस वाटर, ठीक है ना। तो अगर हमने कवर करना है ये, तो ये चल रही है एक दूसरे की तरफ, तो यहाँ पे ये भी स्पीड हो गई, ये स्पीड हो गई डाउनस्ट्रीम की, ये सारी स्पीड हो गई अपस्ट्रीम की। तो इन दोनों स्पीड्स को अगर ऐड कर दोगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। जब भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे हो, एक दूसरे के तरफ आ रहे हो, ठीक है ना, तो उनका टोटल हो जाएगा, उनकी स्पीड का टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इनकी स्पीड का टोटल करोगे तो यहां पर आ गया 12 प्लस वाटर प्लस यहां पे 15 माइनस वाटर, ठीक है ना। यहां पर वाटर से वाटर कट जाएगा, ठीक है ना, यहां पे। तो यहां पे आ गया हमारे पास 27, तो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों जा रही है, ठीक है ना। तो एडिशन करके स्पीड कितनी आ गई, 27 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। तो यहां पे होगा 108 का क्या है डिस्टेंस है, 108 का डिस्टेंस यहां पे 27 किलोमीटर पर आवर का ये हो गया, ये इतना किलोमीटर हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो यहां पे अब 108 डिवाइड बाय 7 करके यहां पे आ गया 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि दोनों बोट्स जो चली, ठीक है ना, एक इधर पॉइंट से एक इधर पॉइंट से, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो वो 4 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास है कि अब बोट टेक अ डबल टाइम टू गो डाउनस्ट्रीम वाइल कमिंग इन अपस्ट्रीम, ठीक है ना। जब वो डाउनस्ट्रीम में जाती है और वापस अपस्ट्रीम में आती है, ठीक है ना, तो अपस्ट्रीम में आते वक्त उसे डबल टाइम लगता है किससे, ठीक है ना, जब डाउनस्ट्रीम में जा रही है। तो जब डाउनस्ट्रीम में जा रही है, जब डाउनस्ट्रीम में जा रही है और जब अपस्ट्रीम में वापस आ रही है, जब अपस्ट्रीम में वापस आ रही है, तो अपस्ट्रीम में उसे दुगना टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम से। तो मान लीजिए यहां पर उसे 1 घंटा लगा, तो यहां पर उसे 2 घंटे लगेंगे। तो ये तो हमारी आ गई टाइम की रेशो, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एफिशिएंसी की रेशो जब भी निकालनी हो टाइम की रेशो से, जब भी एफिशिएंसी की रेशो टाइम की रेशो से निकालनी हो, तो उसका उल्ट कर देंगे, तो इसे रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डाउनस्ट्रीम में उसे 1 घंटा लगता है, वो 2 किलोमीटर कवर कर जाती है, अपस्ट्रीम में उसे 2 घंटे लगते हैं, वो 1 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपस्ट्रीम में उसे टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, यहां पर डाउनस्ट्रीम में उसे टाइम कम लग रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर वाटर की हमें स्पीड दे रखी है, वाटर की स्पीड है
3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पर हमें पता है इनका रिलेशन क्या है, इनका रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो डाउनस्ट्रीम में हमारे पास बोट प्लस वाटर, ठीक है ना, अपस्ट्रीम में बोट माइनस वाटर। तो हमें पता है कि डाउनस्ट्रीम में हम जितना सफर कवर कर लेते हैं, ठीक है ना, जितने किलोमीटर कवर कर लेते हैं उससे आधे यहां पे कवर कर लेंगे, उससे आधे जितने टाइम में हम यहां पे कवर करेंगे उससे आधा यहां पे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अगर इक्वल कवर करना है तो इसे दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, उसको दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्योंकि यहां पर डाउनस्ट्रीम में हमने देखो, डाउनस्ट्रीम में एक घंटा लगाया दो किलोमीटर कवर कर लिए, बट अगर एक घंटा लगा के दो किलोमीटर कवर कर लिए तो यहां पर भी हमने दो किलोमीटर कवर करने हैं तो दुगना टाइम लगाना पड़ेगा, तो यहां पे दुगना टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनटू दो कर दिया यहां पे, तो बोट प्लस वाटर की स्पीड 3, बोट माइनस वाटर की स्पीड 3 इनटू आ गया 2 हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे बोट प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2b माइनस 6 आ गया यहां पे, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, यहां पर इधर आके ये प्लस हो जाएगा, उधर आके बी इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो 9 किलोमीटर पर आवर की यहां पे हमारे पास बोट की स्पीड आ गई, ठीक है ना। तो इन्होंने पूछा था कि स्पीड ऑफ बोट क्या है, तो यहां पे बोट की स्पीड हमारे पास 9 किलोमीटर पर आवर की आ गई। तो अब इस क्लास में बस इतना ही करेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हो गए आप उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और आप कॉपी में तो नोट कर ही लेते होगे उसको, तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको आगे वाली क्लास में करवा दूंगा, आगे वाली इसी बोट एंड स्ट्रीम की क्लास आ जाएगी, उसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, तो उस सेकंड पार्ट में हम वो क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।